हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गुल्लेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था एंगल्स इन ए लीनियर पेयर। आज इस प्रैक्टिस सेट 20 में हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर बाद में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं दो लाइन से लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ये दोनों लाइन जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, सो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ओ। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन से ये चार एंगल बना रहे, दिस इज एंगल 1, 2, 3, 4। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन से जब हम इसे देखेंगे तो ये ओ बी एक रे है, ओ ए एक रे है, और ये दोनों अपोजिट रे से क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहे। सेम वे ओ डी और ओ सी ये भी अपोजिट रे से, ओ सी और ओ बी ये दो रो मिलके एक एंगल बना रहे, सो लेट दिस एंगल बी ए। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कैसे बना है, दो रे से बना है, एक रे ओ बी और एक रे ओ सी। अब ओ सी का अपोजिट रे ओ डी और ओ बी का अपोजिट रे ओ ए, ये भी एक एंगल बना रहे, लेट दिस बी एंगल बी। अब ये जो एंगल बी जो बना है ये अपोजिट रेस ऑफ ओ बी एंड ओ सी बना है, ऐसा जो एंगल है अपोजिट रे से जो एंगल बनता है वो एंगल अपोजिट एंगल होता है। तो यहाँ पे ए और बी अपोजिट एंगल से, ए इज अपोजिट टू बी एंड बी इज अपोजिट टू ए, एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। सेम वे अगर हम मानते हैं ये एंगल सी है और एंगल डी है, सी इज अपोजिट एंगल ऑफ डी और डी इज अपोजिट एंगल ऑफ सी, तो ये जो होता है ये अपोजिट एंगल होता है, या इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यही है आज का हमारा टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब भी अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं, कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट किया है तो जो एंगल्स अपोजिट एंगल्स बनते हैं, मीन्स एक एंगल और उसके अपोजिट रे से दूसरा एंगल अगर बनता है तो उस पेयर ऑफ एंगल को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे दो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का और एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम नहीं है ए बी सी डी का मेजरमेंट कितना है, लेकिन हमने इससे पहले के एक्सरसाइज में पढ़ा था लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो अगर वो कंसेप्ट अगर हम लेंगे तो एंगल ए और एंगल डी ये लीनियर पेयर बन रहे, क्योंकि यहाँ पे ओ बी जो है ये कॉमन आर में, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल से, और ये जो लाइन है सी डी ये स्ट्रेट एंगल बना रहे, सो दोनों का टोटल हो गया है 180। सो ए और डी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, बी और बी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, बी और सी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, सी और ए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, यहाँ पे मतलब चार लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बने हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो भी होता है वो दोनों एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। सो ए और डी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे, सो ए प्लस डी इज 180। सो हियर ए प्लस डी इज इक्वल टू 180। सो ए इज इक्वल टू 180 माइनस डी, लेट दिस बी इक्वेशन 1। हमने क्या किया है, ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखे है और डी को राइट हैंड साइड में लेके गए, तो प्लस डी जो है वो माइनस डी में हो गया है। सो ए इज इक्वल टू 180 माइनस डी, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ बी प्लस डी आर आल्सो फॉर्मिंग लीनियर पेयर, सो बी प्लस डी इज इक्वल टू 180, यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब हम यहाँ पे बी को रखेंगे और डी को वापस राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू 180 माइनस डी, लेट दिस बी इक्वेशन 2। अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, दोनों के राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, 180 माइनस डी 180 माइनस डी। अगर कोई दो इक्वेशन से उनके राइट हैंड साइड अगर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू बी, सो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल मेजरमेंट करेंगे। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं सी इज इक्वल टू डी। तो हमें यहाँ पे दो चीज याद रखना है, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे तो अपोजिट एंगल जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो हमेशा
कॉन्ग्रेंट रहते हैं। ऑलवेज ये हमें माइंड में फिक्स करके रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल इन मेजरमेंट और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे एंगल्स या पेयर ऑफ एंगल, ये चैप्टर में जितने भी एंगल्स या पेयर ऑफ एंगल्स जो भी कंसेप्ट ज्योमेट्री के आप पढ़ रहे, आप ये जब तक मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स की पढ़ाई आप जब तक करते हैं 10th तक, 12th तक, डिग्री तक, या आप जितने मैथ्स की पढ़ाई करती है, जब भी कोई मैथमेटिकल सम आएगा आपको ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। और दोस्तों मैं महाराष्ट्र बोर्ड के स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10th के जितने भी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है, सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोज बनाता हूँ और रेगुलरली बनाता हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत छोटा प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ दो ही क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन से, लाइन BD एंड लाइन AC इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P, और एक एंगल का मेजरमेंट दिया है, एंगल APD इज 47 डिग्री। रिमेनिंग 3 एंगल्स जो है उनका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। सो जितना एंगल APD रहेगा उतना ही उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल BPC रहेगा। तो एक प्रॉपर्टी ये हम यूज करेंगे, और दूसरा प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल यूज करके इधर हम एंगल APB या एंगल BPC दोनों में से कोई एक एंगल फाइंड आउट करेंगे, और जो रिमेनिंग एंगल रहेगा वो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल APD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल BPC। व्हाई? द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बट मेजरमेंट ऑफ एंगल APD इज गिवेन, मेजरमेंट ऑफ एंगल APD इज 47। ये हमें कहाँ से मालूम है? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल BPC इज ऑल्सो 47 डिग्री। एक एंगल हमें मिल गया है। सो APD एंड BPC ये हमें मिला है। नाउ एंगल APC एंड एंगल APB आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल APD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180। वाई? एंगल्स इन ये लीनियर पेयर। अब इनमें से APD हमें मालूम है, दैट इज 47 डिग्री। सो 47 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180। सो मेजरमेंट ऑफ APB, अब 47 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा -47। सो मेजरमेंट ऑफ APB 0-7 पॉसिबल नहीं है, तो यहां से बारो करेगा तो ये 10-7 3, 7-4 3 1। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल APB इज 133 डिग्री। नाउ APB इज 133, सो BPC CPD इज ऑल्सो 133 बिकॉज दिस टू आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो मेजरमेंट ऑफ APB इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CPD। यहाँ पे रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो बट मेजरमेंट ऑफ APB कितना है? 133। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ CPD इज 133। दिस इज द आंसर। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन PQ एंड लाइन RS आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट M। मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज गिवेन, इट इज X। नाउ वी हैव टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे मेजरमेंट दिया था 47 डिग्री, तो सारे आंसर जो है हमारे नंबर्स में आ गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, उन्होंने मेजरमेंट X दिया है, तो यहाँ पे ये इन वेरिएबल ऑफ X आंसर हमें मिल जाएंगे। सेम
पहला प्रॉब्लम जैसे किया है वैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे। एंगल PMR एंड एंगल SMQ, दिस टू एंगल्स आर फॉर्मिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल PMR इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल SMQ। यहाँ पे रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बट मेजरमेंट ऑफ PMR इज गिवेन, इट इज एक्स, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ SMQ इज ऑल्सो एक्स। दिस इज द आंसर। अब ये हमें मिला है एक्स। अब ये जो दोनों एंगल है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, सो PMR प्लस PMS इज इक्वल टू 180। रीजन, एंगल्स इन लीनियर पेयर। नाउ वी नो PMR, PMR इज एक्स, सो एक्स प्लस मेजरमेंट ऑफ PMS इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ PMS इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक नंबर है और दूसरा वेरिएबल है, तो इसके लिए हम इसे रखेंगे 180 माइनस एक्स। नाउ नेक्स्ट वन, मेजरमेंट ऑफ PMS इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ QMR। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो PMS हमें मालूम है, मेजरमेंट ऑफ PMS इज 180 माइनस एक्स, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल QMR इज ऑल्सो 180 माइनस एक्स। दिस इज द आंसर। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।